हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे वीवो S1 प्रो में और सैमसंग गैलेक्सी M40 में। वीवो की डिस्प्ले है 6.38 इंच की और इसका रेजुलेशन है 1080x3340 पिक्सल और इसमें सुपर मोड डिस्प्ले का यूज किया गया है। और सैमसंग की डिस्प्ले है 6.3 इंच की और इसका रेजुलेशन है 1080x3340 पिक्सल और इसमें TFT LCD डिस्प्ले का यूज किया गया है। वीवो में रैम है 6 GB और 8 GB की और सैमसंग में रैम है 6 GB की। वीवो की और सैमसंग की मेमोरी सेम है, 128 GB की है। वीवो का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का है 665 का है। CPU है 2.0 GHz ओक्टा कोर का और इसमें 11 नैनोमीटर का फिनफैट और इसका GPU है 610 का। और सैमसंग का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का है 675 का है। CPU है 2.0 GHz ओक्टा कोर का और इसमें 11 नैनोमीटर का फिनफैट, इसका GPU है 612 का। प्रोसेसर में आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। दोनों फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, एंड्रॉयड है 9.0 पाई का। वीवो का बैक कैमरा क्वाड में है, 48 MP+, 8 MP+, 2 MP+, 2 MP का है। और सैमसंग का बैक कैमरा ट्रिपल है, 32 MP+, 5 MP+, 8 MP का है। वीवो का फ्रंट कैमरा 32 MP का है और सैमसंग का फ्रंट कैमरा 16 MP का है। वीवो में बैटरी है 4500 mAh की और सैमसंग में बैटरी है 3500 mAh की और दोनों में बैटरी टाइप्स नॉन रिमूवेबल हैं। दोनों की बैटरी को आप निकाल नहीं सकते, जो कि एक अच्छी बात है। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों फ़ोनों में दिया हुआ है, फेस अनलॉक भी दोनों में ही है और LED फ्लैश लाइट भी दोनों में दी हुई है। वीवो में एक सिम के साथ या तो दूसरी सिम या फिर SD कार्ड डाल सकते हो, ट्रिपल सिम का ऑप्शन नहीं है। और सैमसंग में भी यही है, एक सिम के साथ दूसरी सिम या फिर SD कार्ड डाल सकते हो। वीवो का चार्जर 18 वाट का और सैमसंग का चार्जर है 15 वाट का और दोनों में टाइप सी का सपोर्ट है। वीवो में 3.5 mm जैक दिया हुआ है और सैमसंग में नहीं है और दोनों फ़ोनों में कनेक्टिविटी 3G और 4G की है। वीवो में कलर है ब्लैक और वाइट और वेट 188 ग्राम और सैमसंग में कलर है ब्लू और वेट 168 ग्राम और दोनों में वारंटी सेम है 1 साल की। वीवो का प्राइस है, जो एक्सपेक्ट जो प्राइस है वो 20,000 रुपये होने वाला है और सैमसंग का प्राइस है 6 GB से 8 GB का 18,999 रुपये। इनके प्राइस घटेंगे या फिर बढ़ेंगे तो इसकी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और वीवो का प्राइस क्या होगा इतना उसके बाद पता चलेगा, तो इसकी जानकारी भी मैं आपको कॉमेंट में दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके देख लेना।